स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों जिस तरह की आपने आरआरबी जेई के सीबीटी वन के जो आपके लॉगिन में प्रॉब्लम फेस किए लास्ट दिनों, एंड आपने साथ ही में आपका जो एग्जाम का जो डेट्स चेंज हो गई थी, आपके जो आप लॉगिन कर रहे थे आपके जो एग्जाम डेट्स थी पहले से बदल गई थी, तो ये सब चीजें टेक्निकली ग्लिच था जिसके कारण आरआरबी ने अपनी वेबसाइट क्लोज की एंड उसके बाद नया अपडेट दिया। एंड साथ ही में अभी हाल फिलहाल नया अपडेट आ चुका है और उन्होंने उस अपडेट में भी ये लिखा था पहले वाले अपडेट में कि आपकी कोई एग्जाम डेट चेंज नहीं हो रही है और कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हो रही है, जो पहले एग्जाम डेट्स थी वही रहेंगी एंड आपको जल्दी ही अपडेट किया जाएगा। हाल फिलहाल अपडेट आ चुका और यहाँ पर देखिए आपके सामने जो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए थे 22 मई को जिनके एग्जाम थे, काफी लोगों ने नहीं किए, मेल और मैसेज काफी सारे आए हमारे पास एंड यहाँ पर अभी लिंक आ चुकी है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 से 24 मई आपके डाउनलोड करने की तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, बाकी के धीरे धीरे चार चार दिन पहले होते जाते हैं। तो साथ ही में यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर लिंक दिख गया है, आपको दिख रहा होगा इकॉल लेटर सिटी इंटीमेशन एंड मॉक टेस्ट फॉर सीबीटी वन एंड आपका जो मई 22 वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए। साथ ही में यहाँ पर लिखेगा लिखा हुआ आप देखिएगा वही शेड्यूल है 22 मई से 2 जून तक जो पहले था। एंड साथ में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस है जो आप देखिएगा द सिटी इंटीमेशन फॉर पीडब्ल्यूडी एंड साथ ही में जिन्होंने आसामीज और उर्दू लैंग्वेज की थी सीबीटी वन में एंड उनका जो रिलीज किया जाएगा वो सून किया जाएगा, मतलब इंटीमेट किया जाएगा उनको बहुत जल्दी और उनका इंटीमेशन अभी नहीं हुआ है तो उनको और पीडब्ल्यूडी भी सबका नहीं, किसी किसी सिटीज की बात कर रहे हैं ये, तो जिनका नहीं हो रहा था वो अभी हाल फिलहाल हो जाएगा जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं। एंड बाकी जो चीज़ें थी सब कुछ सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। तो आप लोग एग्जाम टाइप इतना टेंशन मत लीजिए कि एग्जाम कैंसिल हो रहा है या कुछ हो रहा है, या फिर इतना वो मत कीजिए कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, सब कुछ होगा डाउनलोड। आपका पेपर 22 तारीख को दिया है तो आपको मिल गई ये लिंक, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड जिन्होंने नहीं किया है। एंड बाकी जो डेट्स है सब सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। एंड अब जो है लॉगिन करके सब लोग देख लीजिएगा जितने भी कुछ भी बदलाव आ रहे थे एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करवाना चाह रहे थे उनका लैंग्वेज चेंज नहीं होने वाला है, जिनका इंग्लिश जिन्होंने सेलेक्ट किया था वो इंग्लिश रहेगा। तो अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है पर आप कोई नहीं, आप एग्जाम दीजिए अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को इतना कमजोर मत समझिए कि आप हिंदी लैंग्वेज करना चाह रहे थे वो हमारे नहीं आएगी, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में दे दीजिएगा, बट भरोसा रखिए अपने आप पे और दीजिए। एंड अभी ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंफर्मेशन के लिए आपको एक बार दिया था ऑप्शन, उस टाइम पे ही आपसे चेंजेस हो गए, तो वो चीज अब ये लोग एक और बार मौका नहीं देने वाले क्योंकि वो कंफर्मेशन के लिए ऑलरेडी दे चुके थे और अब एग्जाम टाइमिंग नियर आ चुका है और कल से एग्जाम चालू हो रही है। तो सभी को बेस्ट ऑफ वर्क जो भी कल से चालू हो रहे हैं जिनके एग्जाम एंड आगे लाइन से एक एक दिन एग्जाम है, तो सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, रिविजन सबसे अच्छे से कर लीजिए एंड करेंट अफेयर पढ़ लीजिएगा एंड टाइम पे ताकि आपके थोड़ा बहुत मार्क्स बूस्टअप हो सके। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन करके जाइएगा एंड अपने जितने भी थोड़े बहुत दिन बचे हैं जो 10 दिन में एग्जाम होने वाला है तो सभी लोग सेहत का ध्यान दीजिए, इनकी एग्जाम आगे आएंगी। सो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अभी मैं विदा लेता हूँ, चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।